स्टूडेंट्स, आज हम लेक्चर नंबर 6 अपना स्टार्ट करेंगे। चैप्टर नंबर 2 है, पेज नंबर 37 पर एग्जांपल नंबर 2.2 और 2.3 को हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। ठीक है, 2.3 एग्जांपल है आपके पास, 2.2 सॉरी एग्जांपल है आपके पास। ठीक है, स्प्रिंटर कंप्लीट्स 100 मीटर। देखिए, यूनिट से आपको पता लग रहा है ये डिस्टेंस है मीटर। ठीक है, रेस इन 12 सेकेंड। ठीक है जी, अब ये 100 मीटर की रेस है, इसमें किसी भी ऑब्जेक्ट की या जो रेसर भाग रहा है, ठीक है, उसकी डायरेक्शन चेंज होती रहेगी किसी भी तरफ से, पर्टिकुलर किसी भी एक लम्हे के दरमियान उसकी डायरेक्शन क्या होती रहेगी, चेंज होती रहेगी। ठीक है जी, कहता है स्प्रिंटर कंप्लीट्स इट्स 100 मीटर रेस इन 12 सेकेंड। ठीक है, 12 सेकेंड मीन्स है कि इसने टाइम दिया। ठीक है जी, एक आपको डिस्टेंस दे दिया, दूसरा उसने क्या दे दिया, आपको टाइम दे दिया। ठीक है, फाइंड द एवरेज स्पीड, आपने उसकी स्पीड मालूम करनी है। ठीक है जी, तो पहले न्यूमेरिकल सॉल्व करने का तरीकाकार हमारे पास ये होता है कि आपके पास जो डाटा होता है ना, सबसे पहले आपने उसको फाइंड आउट करना होता है कि वो आपको डाटा में क्या दिया हुआ है। ठीक है जी, आपके पास डाटा में दो चीज़ें हैं। ठीक है, पहली चीज़ है आपके पास डिस्टेंस है, और डिस्टेंस को मैंने आपको बताया था कि आपने रिप्रेजेंट करना है किससे, एस से। 100 मीटर आपका क्या है, डिस्टेंस है। ठीक है, और जो आपके पास टाइम है उसको स्मॉल टी से रिप्रेजेंट करते हैं, तो 12 सेकेंड क्या कहते हैं, टाइम उसने पूछा है। ठीक, बताया आपको। और स्पीड आपने मालूम करनी है, क्वेश्चन मार्क हो गया। ये आपका सब का सब क्या है, डाटा है, ये आपका सारा का सारा क्या है, डाटा है। ठीक है, अब आपने इसके सोल्यूशन की तरफ आना है। ठीक है, अब अपने डाटा को देखेंगे और फिर अपने जेहन में अपना फार्मूले को पुट करेंगे। ठीक है, डिस्टेंस दिया हुआ, टाइम दिया गया और स्पीड उसने मालूम की है, तो हमने मैथमेटिकली इसका फार्मूला पढ़ा था, वी इज इक्वल टू एस ओवर टी। डिस्टेंस आपके पास कितना हो गया, 100 मीटर, और टाइम कितना हो गया आपके पास, 12 सेकेंड हो गया। ठीक है, तो ये आपके पास स्पीड, इन दोनों को हम डिवाइड करेंगे दोनों क्वांटिटीज को, तो हमारे पास आता है जवाब 8.33 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, पर सेकेंड को आपको स्लैश डाल के भी लिख सकते हैं, या आप इसको यूं भी लिख सकते हैं, 8.33 मीटर पर सेकेंड। ठीक है जी, आपकी नेक्स्ट एग्जांपल जो सी है, वो नेक्स्ट एग्जांपल है आपके पास एग्जांपल नंबर 2.3, कहता है अ साइक्लिस्ट कंप्लीट हाफ राउंड ऑफ द सर्कल। ठीक है, यानी कि एक साइक्लिस्ट है वो आपका हाफ राउंड कंप्लीट करता है। ठीक है, हाफ राउंड यानी कि पूरा सर्कल है, ठीक है, उसका हाफ राउंड बता रहा है ट्रैक ऑफ द रेडियस के, उसका रेडियस जो है, रेडियस होता है सेंटर पोजीशन से लेकर किसी एक तरफ की कर्व का डिस्टेंस जो होता है आपका रेडियस कहलाता है। ठीक है, कहता है रेडियस जो है उसका 3.18 है। क्या है, 3.18 है। ठीक है, इन अ 1.5 मिनट, इन अ 1.5 मिनट फाइंड इट्स स्पीड एंड वेलोसिटी। आपने क्या करनी है, उसकी स्पीड भी मालूम करनी है और क्या मालूम करनी है, उसकी एज वेल एज वेलोसिटी भी मालूम करनी है। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास जो है ट्रैक का रेडियस है वो क्या है, 318 यानी कि 318 मीटर है। ठीक है, टाइम टेकन वन एंड हाफ मिनट, तो एक मिनट में होते हैं 60 सेकेंड। ठीक है, हाफ मिनट में होते हैं 30 सेकेंड, ये टोटल कितने हो जाएंगे आपके पास, 90 सेकेंड। डिस्टेंस कवर करने का फार्मूला होता है कि जब भी कोई चीज़ आपके सर्कल के अंदर मूव करती है तो सर्कल का जो एक वैल्यू होती है, कांस्टेंट होती है, जिसको हम क्या कहते हैं, पाई कहते हैं। पाई मल्टीप्लाई बाय रेडियस 3.14 मल्टीप्लाई बाय 318 मीटर इज इक्वल टू 999 मीटर। ये टोटल उसका क्या हो जाएगा, आपका डिस्टेंस हो जाएगा। ठीक है, टोटल क्या हो जाएगा आपका, ये क्या हो जाएगा उसका डिस्टेंस। ठीक है, डिस्टेंस जो सा है वो मूव कर रहा है यूं से यूं, ये उसका हाफ ट्रैक है। ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक उसका जो डिस्टेंस है वो रेडियस है 318 मीटर है। ठीक है, अब वो यहाँ से यहाँ मूव कर रहा है। ठीक है जी, तो उसका टोटल जो डिस्टेंस होगा ना वो होगा पाई मल्टीप्लाई बाय रेडियस। पाई है 3.18 मल्टीप्लाई बाय रेडियस है 318 यानी कि 318 है, जो कि आपका जवाब आपकी बुक के अंदर मेंशन है 999 मीटर आ जाएगा। अब आपने क्या मालूम करना है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी मालूम करनी। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, मैंने आपको पहले बताया था दो पॉइंट्स, यानी कि ये आपके पास दो पॉइंट्स है यहाँ से यहाँ, ये पूरा, तो ये एक हाफ रेडियस हो गया, ये दूसरा रेडियस हो गया। यहाँ से यहाँ जो उनसा होगा ये 2r हो जाएगा, यानी ये 2 मल्टीप्लाई बाय रेडियस, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 318, तो ये आंसर आपके पास आ जाएगा 636 मीटर। ठीक है जी, अब आपने जब स्पीड निकालनी है, v इज इक्वल टू s बाय t होगा। ठीक है, s आपके पास है और t मैंने अभी आपको मेंशन किया वो 19 सेकेंड है। ठीक है, और जब आपने स्पीड निकालनी है तो आपने ऊपर क्या करना है, एरो हाईलाइट करना है और d बाय t, और डिस्टेंस आपके पास ये है। टाइम दोनों में सेम है, लेकिन जो आपका डिस्टेंस है वो 999 मीटर है, और जो डिस्प्लेसमेंट है वो क्या है आपके पास,
636 मीटर है। इन दोनों क्वांटिटीज को आप जब डिवाइड करेंगे तो आपके पास आपकी क्वांटिटी जो डिटरमाइन आपकी वैल्यू है उसका जवाब आपके पास आ जाएगा। ठीक है जी, ये आपके पास दोनों न्यूमेरिकल हैं जो कि मैंने कहा साथ साथ आपको समझ आ जाएगी तो आपके लिए ज़्यादा कन्वीनियंट हो जाएगा। फिर पेज नंबर 38 के ऊपर हम चलते हैं। ठीक है, पेज नंबर 38 की तरफ आप आएंगे। ठीक है, पेज नंबर 38 में जो अगली क्वांटिटी है वो एक्सेलरेशन। ठीक है जी, एक्सेलरेशन देखिए बेटा, आपने पीछे पढ़ा था कि रेट ऑफ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी। जाहिर बात है जब बॉडी का डिस्प्लेसमेंट चेंज हो रहा है तो इसका मतलब है कि वेलोसिटी के अंदर चेंज आ रहा है। तो अगर वेलोसिटी के अंदर चेंज आएगा तो वो भी तो कोई ना कोई टर्म एसोसिएट करेगी। ठीक है जी, तो कहता है कि जो आपके रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, ठीक है, वेलोसिटी ये जो टर्म कहलाती है वो आपकी क्या कहलाती है, एक्सेलरेशन कहलाती है। क्या कहलाती है, एक्सेलरेशन कहलाती है। ठीक है जी, अब जो वेलोसिटी आपकी चेंज होती है, ठीक है, तो एक्सेलरेशन का जो फॉर्मूला होगा आपके पास उसी तरह ही आप लिखेंगे। पहले इन्वर्टेड कॉमा में आप पिंक ब्लॉक की डेफिनेशन लिखेंगे, फिर आप मैथमेटिकली फॉर्मूला लिखेंगे, चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। ठीक है, तो जो चेंज किसी वेलोसिटी का होता है ना, वो याद रखें दो चेंज होते हैं, एक जो लास्ट वेलोसिटी वो अटेन करेगा और एक वो इनिशियल वेलोसिटी जो उसके पास आएगी। ठीक है जी, जो आपके पास एक्सेलरेशन है, ठीक है, तो उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे फाइनल वेलोसिटी वी लिखकर। ठीक है, छोटा सा नीचे उसके बॉटम में एफ लिखेंगे, ऊपर आप एरो लिखा लेंगे, माइनस इनिशियल वेलोसिटी। ठीक है, माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम, ये बेसिकली क्या आपके पास एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है। लेकिन इसको हम जब शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे तो इसके साथ हम लिखेंगे डेल्टा वी। डेल्टा बेसिकली क्या है, डेल्टा साइन रिप्रेजेंट करता है फाइनल सिचुएशन माइनस इनिशियल सिचुएशन। अब हम इसके यूनिट की तरफ आ जाएंगे, क्योंकि आपको पता है इसमें वेलोसिटी इन्वॉल्व है, तो वेलोसिटी का यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकेंड होता है। टाइम का यूनिट होता है सेकेंड। जब ये वैल्यू नीचे से ऊपर जाएगी तो ये हो जाएगा मीटर पर सेकेंड और पर सेकेंड। ठीक है जी, ये तो आपका यूनिट हो गया। ठीक है, अब आप इसको शॉर्ट फॉर्म में पढ़ना चाहेंगे तो आप इसको पढ़ेंगे मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर, मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर। ठीक है जी, तीन चीज़ें होगी, डेफिनेशन होगी, मैथमेटिकली फार्मूला हो गया, और इसका क्या हो गया, यूनिट हो गया। ठीक है जी, उसके बाद आ जाते हैं हम क्वांटिटी की तरफ। किसकी तरफ आ जाते हैं, क्वांटिटी की तरफ। क्वांटिटी की तरफ आएंगे तो जाहिर बात है इसके अंदर वेलोसिटी इन्वॉल्व है, तो वेलोसिटी क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो उसका रिजल्टेंट भी क्या होगा आपके पास, वेक्टर क्वांटिटी आएगा जो कि क्या होगा आपका, एक्सेलरेशन होगा। ठीक है, ये आपका यहाँ तक का लेक्चर है जी, बेस्ट ऑफ लक।